लजिक, उस रात को आईसीयू में शिफ्ट किया है डॉक्टर्स ने। फिलहाल किसी को मिलने की इजाजत नहीं, सब दुआ करें कि जल्द उसको होश आ जाए। कितनी खुश थी ना मेरी उस सनारा, आज कितना बड़ा दिन था उसके लिए। पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा नहीं किया पारस ने और उसकी माँ ने मेरी बच्ची के साथ, अच्छा नहीं किया। ये वक्त फिलहाल बातों को सोचने का नहीं है खान, सबसे अहम चीज है कि उसकी तबीयत संभल जाए, उसके बाद में देख लेंगे सब चीजों को। और आप एक काम करें, आप घर से, मैं यहां रहता हूं। मैं वादा करता हूं कोई भी बात हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा, इतला दे दूंगा। रात से ज्यादा हो गए, घर क्यों नहीं आए? मैं अकेली हूँ, इंतजार कर रही हूँ। हुस्ना की तबीयत बहुत खराब है बेटा, उसे होश नहीं आया अभी तक। जब तक उसे होश नहीं आता ये नहीं कहा जा सकता कि खतरे से बाहर है या नहीं। मैंने तुम्हें हुसनारा के बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया, मुझे बताओ तुम घर कब आओ? जब तक हुसनारा की तबीयत ठीक नहीं होती मैं नहीं आ सकता मीना, यहाँ पे कोई और नहीं है। और खाला, उनकी हालत खुद बहुत खराब है। तो क्या तुम एक आखिरी हमदर्द रह गए उनकी जिंदगी में? 10 रिश्तेदार हैं उनको, किसी और को बुला ले, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। किस किस्म की बातें कर रही हो मैडम? कोई छोटी चीज नहीं हुई इनके साथ, बहुत बड़े सदमे से गुजरे हैं। ऐसे में अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हें अगर सोना है तुम सो जाओ, घर लॉक कर लेना चाहिए। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मर्जी से मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। सुनारा, क्या लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया? सुनारा बताओ तो सही क्या हुआ है? सुरैया खाला, आपकी तो सारी इज्जत खाक में मिल गई इन कबख्तों की वजह से। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मर्जी से मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। सुनारा, क्या लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया? सुनारा बताओ तो सही क्या हुआ है? सुरैया खाला, आपकी तो सारी इज्जत खाक में मिल गई इन कबख्तों की वजह से। सुनारा की बारात नहीं आ रही। आप
आरिफ, आरिफ, फारिस, फारिस, कुसनारा, कुसनारा, फारिस का जगह लेटो, इंजेक्शन, इंजेक्शन तैयार करो, फारिस का है, फारिस बाहर है, अभी आ रहा है, हाँ, हाँ मैं बुलाती हूँ, मैं जाती हूँ, नहीं नहीं, तुम खुद ही जाओ, तुम फारिस को बुलाओ, अच्छा बुला रही हूँ, फारिस को बुलाओ, जल्दी करो, फारिस, बुला रहे हैं, बुला, छोड़ो मुझे, नहीं, मुझे फारिस, देखो कुसनारा, नहीं, तुम्हें तो मिलती ठीक है, मैं फारिस का है, फारिस, देखो तुम्हें रेस्ट, फारिस, कुसनारा, नहीं, मेरे फारिस को बुलाओ, बुला रही हूँ, बुला, लेट जाओ, फारिस, मेरे अलावा कोई भी नहीं था जो सारी रात अपना घर अपना आराम छोड़ के यहां रुक जाता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा। तुम गैरों जैसी बात करती हैं, हरगिज एहसान नहीं था। प्लीज ऐसा मत कहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उसने ठीक हो जाए, बस आप दुआ करें कि अल्लाह जल्द उसे बेहतर कर दे। आमीन, आमीन। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बदनसीब बच्ची की किस्मत में। हुसनारा के हस्बैंड आप ही है ना? नहीं, मैं माँ हूँ सनारा की, मेरा भांजा है जुनेद। सॉरी, वो मैं कल से आप ही को देख रही थी तो मुझे लगा कि आपके पेशेंट को होश आ गया था। उनकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब है, गहरे सदमे में है। अभी कुछ देर में डॉक्टर रन पे आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। थैंक यू। या अल्लाह, हिम्मत करें खाला, हिम्मत, परेशान ना हो, खुदा का शुक्र है उसे होश तो आ गया है ना। शुक्र है। अच्छा जुनेद, बेटा अब तुम घर जाओ, मीना भी रात से अकेली है, परेशान हो रही होगी। अब तो मैं आ गई हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पर। आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ खाला? मैंने कहा ना, आप फिक्र ना करें, मैं यही हूँ जब तक हुसनारा ठीक नहीं हो जाती। लेकिन बेटा अकेली है ना, वो भी तो रात भर से, क्या सोचेगी वो कि सारी रात तुम सनारा की। मीना से फोन पे बात हो गई है मेरी, उसको मैंने तसल्ली दे दी है, आप परेशान ना हो। ये चाय लाऊं? मैं लेकर आता हूँ, चाय पियेंगे तो मेरे तरफ।